सर्च इंडिया, कहानी से सच्चाई तक। मैं दिव्या शर्मा आप सभी का सर्च इंडिया न्यूज में स्वागत करती हूं। आइए डालते हैं इस वक्त की खास खबर पर नजर। सोनू निगम पर हमला, इवेंट में हुई धक्का मुक्की, मैनेजर सायरा के साथ हुई बदतमीजी। मुंबई में सोनू निगम और उनकी टीम के साथ धक्का मुक्की की गई। इसमें सोनू की टीम के दो लोग बुरी तरह से घायल हो गए हैं। सोनू और उनकी टीम मुंबई के चेंबर में बीती रात को एक म्यूजिक इवेंट कर रहे थे। इवेंट के दौरान शिवसेना के विधायक प्रकाश फाटेर पेकर का बेटा स्वपनिल प्रकाश फाटेर पेकर सोनू के साथ जबरदस्ती सेल्फी लेने की कोशिश कर रहा था। इसी दौरान धक्का मुक्की हुई। रिपोर्ट के मुताबिक विधायक के बेटे ने सोनू की मैनेजर सायरा के साथ भी दुर्व्यवहार किया। मामले का वीडियो भी सामने आया है जो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। दरअसल विधायक का बेटा स्टेज पर जाकर सोनू निगम के साथ सेल्फी लेना चाहता था और वह स्टेज पर जाने लगा, तभी उसने सोनू की मैनेजर सायरा को स्टेज से उतरने के लिए कहा और जब सोनू मंच से नीचे उतरे थे तो उसने सोनू का हाथ पकड़ लिया। इतने में सोनू के बॉडीगार्ड हरी बीच में आ गए। विधायक के बेटे ने हरी को धक्का दे दिया, वह सीढ़ियों से दूर जाकर गिरे। उन्हें भी काफी चोटें आई हैं। आंखों में आ रहा है मेरे, सॉरी। तो मैंने शिकायत दर्ज की है इसलिए ताकि लोगों को ये थोड़ा, लेकिन लोगों को थोड़ा सोचना चाहिए कि जब किसी को आप जबरदस्ती फोटो सेल्फी करते हैं तो उसके बाद में एरोगेंस और ये धक्का मुक्की वो वीडियो में देखेंगे। राइट हैंड साइड में पहले हरी को पुश किया है, उसके बाद जब मुझे पुश किया तो मैं गिर गया। देखा होगा वीडियो में मैं नीचे गिर गया हूँ। हाँ, मैं स्टेप पे गिर गया, तो मैं अगर मैं साइड में होता तो मैं गिर जाता। तो मैं स्टेप पे गिरा तो मुझे बचाने के लिए रब्बानी आए और रब्बानी को तो उसने ऐसे पीछे किया तो उसके बच गया, वो मर जाता। वो अगर नीचे कुछ लोहा होता तो गया था वो, इसलिए ये प्लेन एक मामला था जिसमें परफॉर्म करने के बाद में स्टेप से निकलते वक्त उनको पकड़ा गया। उसके पीछे का इंटेंशन में भी कुछ फोटो खिंचवाना हो सकता है या मीडिया के लिए एक उनका एक खुद का एक फुटेज हो, ये भी हो सकता है। हमारे साथ बने रहने के लिए आप हमारे चैनल को लाइक सब्सक्राइब और फॉलो करें। सर्च इंडिया, कहानी से सच्चाई तक।